ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एकादशी का महा उपाय बता रहा हूँ। एकादशी के कुछ ऐसे उपाय जिनके करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी का विशेष महत्व कहा गया है। उसी प्रकार से शास्त्रों में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व कहा गया है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ पर साक्षात भगवान का वास होता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हो वहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वास होता है। एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप तुलसी के पौधे में कुछ चीज़ें डालते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो आपके मन में कामना है वह मनोकामना आपकी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। साथ ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद में भगवान विष्णु को स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है उनको स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल जी की जो मूर्ति होती है उनको स्नान कराएं। और स्नान का जो जल है वह पूरे घर में छिड़कना चाहिए। आपको पीना भी चाहिए और थोड़ा सा जल उसमें से अलग निकाल के रख दें। उसके बाद चौमुखी दीपक बना करके तैयार करें। फिर आपको जो स्नान का जल आपने बचाया अलग से वह आपको तुलसी के पौधे में डालना है। तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन, ना ही तुलसी के पौधे पत्ते तोड़ने चाहिए। लेकिन भगवान के स्नान का जो जल है वह एकादशी के दिन तुलसी वृक्ष में जरूर डालना चाहिए। उसके बाद में थोड़ी सी रोली आपको तुलसी के पौधे में डाल देनी है। उसके बाद में तुलसी के पौधे की जड़ में से थोड़ा सा मिट्टी लेकर के उसका टीका आपको लगा लेना है। और एक रुपये का सिक्का आपको तुलसी के पौधे में डाल देना है। वहीं पर आपको दीपक जलाना है और माता तुलसी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। पहले से रखे हुए तुलसी के पत्ते भगवान कृष्ण को अर्पण करने हैं। उसके बाद में आप भगवान शिव का पूजन करें। भगवान शिव को इस दिन चावल आपको नहीं चढ़ाने हैं, ना ही भगवान विष्णु को चावल चढ़ाने हैं। किसी भी देवता को एकादशी के दिन चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को अर्पण कर दें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। फिर शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव के सामने, माता तुलसी के सामने, भगवान विष्णु के सामने आपको दीपक जलाना है। यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहेगी। एकादशी के बाद में वह सिक्का जो आपने तुलसी के वृक्ष में डाला है, पौधे में डाला है, वह आपको ले लेना है। वह सिक्का ले लेना है और संभाल करके आपको रखना है। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, घर में भरपूर धन आएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।